लोगों को जाना चाहिए, लेकिन परिणाम हम लोगों को जस्ट उसका उल्टा मिला। आज सरकार कई उस समय की भाई सरकार जैसे ही बनेगा 5 लाख लोगों को हम लोग रोजगार देंगे। रोजगार मिला क्या बताइए आप ही लोग। बिजली बिल भी माफ नहीं हुआ। पारा टीचर जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का केडर बन के तरह रहकर पार्टी को समर्थन किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को समर्थन किया। उस समय भी हमारे साथ भी हम लोग भी सरकार में थे तो पारा टीचर लोग आते थे। हम लोगों ने एक दरवाजा खोल भी दिया था कि भाई एक बार एग्जाम का प्रक्रिया आप लोग कीजिए। 50% हम लोगों ने पारा शिक्षकों के लिए भी आरक्षण दिया था कि आप लोग कीजिए। उसमें करीब 10,000 पारा शिक्षक सरकारी हुआ भी, लेकिन जो नहीं पास कर पाए वो नहीं हो पाए। उस समय भी कहा गया कि भाई सबको परमानेंट कर देंगे, लेकिन अभी भी हम लोग अखबार में खाली सुनते हैं कि बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला। जल सैया, होमगार्ड लोग, पारा मिलिट्री लोग, आज भी मोराबादी मैदान में जाइए तो अभी खाली सब लोग धरना में बैठा हुआ। एक भी योजना अभी तक नहीं लागू हो पाया, ना लोगों को सुविधा मिल पाया। सिर्फ एक बहाना मिल जाता है कि हमारे पास कोरोना। भाई कोरोना पूरे देश में है, पूरे विश्व में है। आखिर हम लोग इतना पीछे चले गए, दूसरा लोग कोरोना में कैसे आगे बढ़ गए? विकास का काम कैसे हो रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से नारा रहा है कि स्थानीयता का परिभाषित करेंगे। अभी तक स्थानीयता परिभाषित नहीं हुआ। 1932 का खतियान लागू करेंगे, वो अभी लागू नहीं हुआ। और अभी बोल रहे हैं कि अभी इतने शिक्षकों का नौकरी लगाएंगे, इतने लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। जब आपका स्थानीय नीति लागू हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब सब बिहार और दूसरे राज्यों के लोगों के लिए दरवाजा फिर से खोल दिया गया। बहुत उम्मीद से हम लोग कहते कि भाई चलो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बन रहा, तो जो पिछला सरकार नहीं कर पाया कम से कम ये सरकार तो करेगा, इसी उम्मीद से लोग वोट भी दिया। लेकिन हम लोगों के समय 1985 लागू हुआ था कि भाई 1985 के बाद जो लोग आए हैं उसको हम लोग स्थानीयता नहीं मानेंगे। लेकिन 1985 भी समाप्त कर दिया गया। अरे भाई सबसे पहले 1932 तो लागू करो, तब उसको समाप्त करो। कम से कम एक ब्रेकर तो लगा हुआ था, वह भी ब्रेकर को तोड़ दिया गया। जो दूसरा ब्रेकर लगाना था वह तो बना ही नहीं। मतलब पूरे तरह से राज्य में जितना भी यदि नौकरी निकलेगा भी तो रहा के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये मैं आप लोगों को यही बताने के लिए। आज जेपीएससी का अध्यक्ष कौन बना बता दीजिए कि झारखंड में जेपीएससी का अध्यक्ष बनने लायक भी लोग नहीं है। इतने पढ़े लोग लिखे लोग हैं, इतने शिक्षाविद लोग हैं, लेकिन जो आदमी अध्यक्ष ही जो दूसरे राज्य का होगा तो आप समझ लीजिए यहाँ के लोगों का कभी नौकरी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो इस तरह से लोगों को बरगलाया गया। अभी एक हम लोग न्यूज में पढ़े कि बहुत अच्छी बात है, सरकार ने यह निर्णय लिया कि एसटी का जो जाति प्रमाण पत्र एक बार बनेगा वो परमानेंट उस जाति का होगा। तो जब जाति प्रमाण पत्र, जब सब लोग अपने अपने जाति को पकड़ते हैं, जो जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति में रहते भी हैं मरते भी, तो दूसरे लोगों का परमानेंट क्यों नहीं हो सकता? क्या जाति बदलता है क्या? तो सबका बनना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र एक बार बनना चाहिए जो सभी जाति के लोगों को बनना चाहिए। यहाँ दोहरी नीति चल रही है सरकार।
ठीक है, आय प्रमाण पत्र आप 6 महीने में बदलता है वो सही है, कि इनकम लोगों का बढ़ सकता है घट सकता है, ये कहीं कहीं ठीक है, ये आय प्रमाण पत्र आप सबके लिए बराबर होता है, लेकिन इस तरह का दोहरी नीति लाकर यहाँ के लोगों को यहाँ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा ये अपराध का जो ग्राफ बढ़ा, लोग शासन का मतलब है कि लोग अमन चैन से रहे, शांति से रहे, भाईचारगी से रहे और सभी लोग अपने समाज को अपने क्षेत्र को आगे ले जाने का प्रयास करें, लेकिन अभी एक तरफ आपराधिक घटना घट रहा है, हत्या हो रहा है, हत्या की राजनीति हो रही है, लोग लाश पर राजनीति करते हैं, इस तरह का स्थिति अभी उत्पन्न हो गया। सरकार की दोहरी नीति, कोरोना गाइडलाइन अभी आप लोगों ने देखा, कोरोना गाइडलाइन निकला, पूजा लोग शांति पूर्वक बनाया, लेकिन कम भीड़ में कम लोग जाकर पूजा किया। एक घटना घटा हम लोगों के बीच में भी, बड़कीपोना जो काफी चर्चा का विषय रहा, वहां के लोग रावण दहन कर रहे थे, पूरे जिले में कम से कम 6 जगह रावण दहन हुआ, जो लोग किया वहां कोई नहीं हुआ, और कुछ लोग बड़े बड़े नेता लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भीड़ जुटा कर ऑर्केस्ट्रा और क्या क्या कार्यक्रम कर रहे, वहां के लिए गाइडलाइन लागू नहीं होता। यदि आम लोग उस तरह का काम करते हैं तो उसको केस मुकदमा होता है, उसको लाठी से पीटा जाता है, यह दोहरी नीति सरकार का। तो मैं वही प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि यह जो दोहरी नीति अपना रहे हैं तो पब्लिक और जनता भी दिख भर में थोड़ा, यदि वह कार्यक्रम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम लोगों पर केस कर दे रहा है, और वो लोग खुलेआम जो इतना कार्यक्रम होना है कर रहे हैं, बड़े बड़े रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े पार्टी के कार्यक्रम कर रहे हैं, धर्म के प्रति भी लोगों का, धर्म विरोधी लोग जो लोग सरकार में बैठे हैं, यदि हम अपने धर्म को मानते हैं तो उसको लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, किसी एक धर्म को पूरा छूट दिया जा रहा है, तो इस तरह का जो धर्म विरोधी सरकार जो बना, इसको आने वाले समय में हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को तैयार होना चाहिए। और कई घोषणा सरकार के द्वारा किया गया, उस समय तो बड़ा बड़ा लंबा लंबा लिस्ट था, लेकिन मुख्य चीज को हम लोग आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, एक भी योजना कभी भी, क्योंकि एक MP होने के नाते हमारा भी जवाबदेही है कि पूरे राज्य में केंद्र का जो भी योजना चलता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, उपलब्धि गिनाता है हम लोगों के पैसा से, केंद्र के पैसा से राज्य सरकार उपलब्धि गिनाती है, और दूसरा तरफ केंद्र को कहती है कि भाई हमको सहयोग नहीं करता। प्रधानमंत्री आवास योजना किसका योजना है बता, पूछिए उनको, हर घर नल का जल किसका योजना है, केंद्र सरकार का योजना है, किसानों को लोन माफ करना, किसानों को ऋण देना किसका योजना है, केंद्र सरकार का योजना है। पेंशन योजना जो सबसे अंतिम व्यक्ति जो बुजुर्ग हम लोग जिसको 60 साल के बाद कहते हैं, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जो लाचार है, विधवा पेंशन जो लाचार है, वो अपने परिवार के लिए अपने जीवन यापन के लिए, पिछले सरकार में जब हम लोग मंत्री थे उससे पहले 600 मिलता था लोगों को पेंशन, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 1000 किया था। फिर चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषणा किया कि नहीं उसको हम लोग 2000 रुपया देंगे, 2000 तो छोड़ दीजिए, जो 1000 हम लोग भेजते थे वो अभी बंद हो गया, वो अभी नहीं मिल पा रहा है, बंद हुआ है ना भाई, 1000 मिलता हो समय से नहीं मिलेगा तो आखिर एक ही बार देने का, कोई नहीं मिलने से कितने लोगों का नाम भी कटा। सबसे बड़ा घोषणा किया कि बेरोजगारों को 7500 कितना किया था, 5000 ग्रेजुएट को 5000 महीना देंगे, और जो
मास्टर डिग्री है उनको 7,000 महीना दें। चुनाव जीत गया, सरकार बन गया, उसके बाद कहता है कि 5,000 हम एक साल के लिए बोले थे, तुरंत एक महीना से एक साल हो गया और वो अभी तक नहीं मिला। तो एक दिन में कितना हो रहा था? 5 रुपए, 7 रुपए, एक दिन में हिसाब से करने से, हाँ एक दिन में 5-7 रुपया होता है। बताइए बेरोजगारों का, यहाँ के लोगों का कीमत कितना दिया जा रहा है सरकार के द्वारा? अरे भाई रोजगार उपलब्ध कराइए ना, सरकार का पद सब विभाग में पद खाली हो गया, सब लोग रिजर्वेशन का भी अब कोई महत्व नहीं रह गया, सब में कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। ब्लॉक में जाइए तो 2-4 को सरकारी कर्मचारी होगा, बाकी सब लोगों को ठेकेदारी सिस्टम में डाल दिया गया। हॉस्पिटल में जाइए 1-2 को डॉक्टर है, बाकी सब नर्स है, सब ठेकेदारी सिस्टम में चला गया, सब को 5,000-7,000, उससे ज्यादा किसी को नहीं दिया जाता, और ठेकेदार को जस्ट उसका दुगुना मिलता है, बाकी पैसा सब लोग बंदरबांट कर रहे हैं। तो यह सरकार की नीति है, विकास पूरा झारखंड का ठप पड़ गया। उदाहरण सबसे पहला उदाहरण तो रामगढ़ ही आप लोगों को देखने को मिला, इसका मतलब है कि विकास पूरे राज्य में, रामगढ़ ही बल्कि पूरे राज्य में ठप पड़ गया। हम लोग हाल ही में गिरिडीह में दिशा की बैठक में और बोकारो में हम लोग समीक्षा कर रहे थे कि भाई हमारे क्षेत्र में केंद्र सरकार का योजना कितना चल रहा है और अभी तक कितना खर्च हुआ। बार बार राज्य सरकार बोलता है कि केंद्र सरकार हमको पैसा ही नहीं देता है। तो हम लोगों ने समीक्षा किया और उसके हिसाब से अनुमान हम लगा रहे हैं कि अभी तक मात्र 6% पैसा हम लोगों का राज्य सरकार खर्च कर पाया और बोलता है पैसा ही नहीं दे रहे हैं। पहले भैया खर्चा तो आप कीजिए, आधा भी खर्च कीजिए, उसके बाद बोलिए कि हमको और पैसा चाहिए। 6% बात जो आप लोग भी लगते हैं खाली तनख्वाह या वेतन में इस तरह से देके खत्म किया, काम करके कुछ पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर पैसा मांग रहे। तो यह दोहरी नीति जो राज्य सरकार का है, यह निश्चित तौर पर इस तरह का रवैया रहा तो 2-5 साल में राज्य जिस गति से आगे बढ़ रहा था, राज्य सरकार सबसे पीछे आएगा, झारखंड सबसे पिछला पायदान पर दिखेगा। ये नहीं तो इस तरह का सरकार का सोच है। और मैं फिर से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, और कई एक चीज है बोलने के लिए लेकिन समय इसके लिए आ रहा है, इसको आप लोग भी महसूस करते हैं, आप लोग भी अखबार में देखते हैं कि राज्य की क्या स्थिति है। हम लोगों को फिर से एक बार संघर्ष करना होगा, हम लोगों को फिर से उसी ताकत के साथ, उसी जोश के साथ हम लोग फिर से गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समर्थन मांगेंगे और इन सब जो रामगढ़ की स्थिति हुई है, विकास के नाम पर जो विनाश हुआ, इस संदेश को लेकर जाएंगे और फिर से हम लोग उसका समर्थन मांगेंगे और फिर जिंदाबाद। और फिर से जो आज 112वां पायदान पर, जो सबसे नीचे पायदान पर रामगढ़ गया है, फिर से हम लोग मेहनत करेंगे और पहला नंबर पर लाएंगे। ये मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से विकास चौधरी जिंदाबाद, विकास प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, बहुत बड़े बड़े भाषण करने वाले लोग, चुनाव के समय बहुत से लोगों को बरगलाया गया, बहुत से लुभावने वादे किए गए, आज वैसे लोगों का जुबान बंद हो गया। आजकल भाषण सुनते हैं क्या? नहीं, अभी नाम के लिए परेशान हो गया कि कहां हमारा नाम लिखना। अरे भैया विकास कीजिए, रोड बनाइएगा तो रोड में चलने वाला हर आदमी नाम लेगा, नाम लिखने का जरूरत नहीं है, लोग जानता है कि कौन बनाया। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग फिर से नए सिरे से रामगढ़ का गति जो रुका है उसको हम लोग आगे ले जाने में
हम लोग घर घर तक जाएं, सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। मैं फिर से सभी लोगों को स्वागत करता हूं पार्टी में, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने रामगढ़ के बारे में, रामगढ़ का जो विकास, गोला का जो विकास, यहां के किसानों का जो विकास जो थमा है उसको आगे ले जाने के लिए आप लोगों ने संकल्प लिया है, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। और गोला प्रखंड वास्तव में कृषि बहुल क्षेत्र है, हम लोगों ने काफी मेहनत करके भरवा जलाशय भी बनाया, नहर का भी काम शुरुआत करना था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सरकार में तो खैर नहीं होने वाला है, लेकिन किसानों को जो सपना है, जो वर्षों से 32 साल से जो नहीं बना था डैम, उसको हम लोगों ने बनाया। तो मेरा संकल्प है कि हर खेत तक इस प्रकार बिजली पहुंचाए, पानी भी पहुंचाने का काम करेंगे, ये मैं आपको संकल्प। विकासपुर से चंद्रकांत चौधरी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम लोगों को, खास करके जो हमारे पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण किए हैं मुखिया जी और उनके सहयोगीगण जितने भी लोग हैं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और आपके जुटने से निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत होगा, कुमारदगा पंचायत तो शुरू से मजबूत रहा है, लेकिन आप लोगों के आने के बाद हमको लगता है कि आपके पंचायत में नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में वैसे विकास विरोधी दल जो लोग हैं सभी लोगों का सफाया होगा, और मुझे पूरा विश्वास। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इसी के साथ मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद सबको, जोहार। विकास प्रोसेस चंद्रकांत चौधरी जिंदाबाद, विकास प्रोसेस चंद्रकांत चौधरी जिंदाबाद, जय झारखंड, आसुपाटी जिंदाबाद।